हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के ऊपर। गाइस, मैनेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। गाइस, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी लिखाई हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, गाइस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप घर में भी रहते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो रेंट पर रहते होंगे, तो क्या होता है कि इतना बड़ा घर नहीं होता गाइस, बट लोग एक छोटे से घर में इतना सामान रख लेते हैं बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, आज हम लोग इस टॉपिक को पोकेमोन गो में अप्लाई करने वाले हैं कि हम लोग कैसे मैनेज करें कि कम स्पेस में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम स्पेस है तो कम ही सामान इकट्ठा होगा, बट कम में भी प्रायोरिटी के ऊपर हम लोग चीज़ें करेंगे। तो जितने लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, और हम लोग बहुत क्लोज है टारगेट के, फटाफट से गाइस हिट करने में हेल्प करो। जितना जल्दी हम टारगेट से हिट करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी हम लोग इवेंट्स क्रिएट करते रहेंगे गाइस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इवेंट्स के बारे में। कोई भी इवेंट होता है, मोस्ट बेसिक चीज़ क्या होती है उस इवेंट में गाइस? पोकीबॉल्स। पोकेमोन गो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोकीबॉल्स। बट जब इवेंट स्टार्ट होता है तब तो हमारे पास पोकीबॉल्स होती हैं, बट विद इन 30 मिनट या 20 मिनट्स हम लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये इवेंट तो आधा ही खेल पाएंगे। रीज़न, पोकीबॉल्स नहीं है गाइस। सो हमारे पास स्पेस तो इतना ज़्यादा है कि हम लोग, जैसे कि मेरे पास 750 का स्पेस है गाइस, तो मैं क्या 750 पोकीबॉल्स रख सकता हूँ? और 750 पोकीबॉल रखना बुद्धिमानी का काम है? तो मेरा आंसर नो है गाइस। 750 में से गाइस हम लोग मैक्स टू मैक्स 200 पोकीबॉल्स रख सकते हैं गाइस, इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि गाइस हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। फास्ट टीएम्स, एलाइट टीएम्स, फिर बैरीज हो गई, फिर स्टोन्स हो गए, इन सब चीज़ों को रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग ये बताएंगे कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, और कितना रखना है, कितना नहीं रखना है गाइस। सबसे पहली बात गाइस, जो लोग घर के आसपास बहुत ज़्यादा पॉकी स्टॉप और जिम है, उन लोगों को स्टोरेज की इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उन्हें कोई भी इवेंट खेलना होता है तो उनको पोकीबॉल्स मिल जाती हैं गाइस। तो यहाँ पर दो कैटेगरी आती हैं दोबारा से। पहली कैटेगरी गाइस वो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं या फिर प्रिविलेज्ड एरिया में रहते हैं। प्रिविलेज मतलब ये हो गया कि जिनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पोकी स्टॉप एंड जिम है गाइस, इवन उनके घर की जिस घर में रहते हैं उसमें ही, मतलब समझ गए ना कि उनके टच में है चीज़ें, कि वो घर में बैठे बैठे पोकी स्टॉप और जिम स्पिन कर लेते हैं। दूसरे वो लोग गाइस जिन लोग दिव्य शक्ति वाले सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जो कि मतलब पलक झमकते जापान, चाइना, एनी वेयर इन द वर्ल्ड दे कैन मूव वेरी इजिली, तो इन लोगों को तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को काउंट कर रहे हैं जो लोग मेरे जैसे एरिया में रहते हैं, जहाँ पर एक पॉकी स्टॉप है जो भी रेंज में नहीं है गाइस, प्लस जिम भी है वो रेंज में नहीं है। अब इसकी जो नीचे वाली कैटेगरी है गाइस, वो कैटेगरी है एक ऐसी जगह जहाँ पर मैप तक शो नहीं होता है। तो ऐसे लोग कैसे खेलेंगे, क्या करना होगा, वो बात सुनो गाइस। सबसे पहले गाइस आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए होगा स्टोरेज। स्टोरेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। जिन लोगों के घर के आसपास जिम पॉकेट स्टॉप नहीं है, उन लोगों के लिए बैग स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। प्लस जो लोग प्रिविलेज्ड एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए पोकेमोन स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस आप देखेंगे मेरे पास पोकेमोन स्टोरेज लगभग 1000 का है गाइस, मतलब 1200 का होने वाला है। तो ये मैंने धीरे धीरे किया है, और स्पेस की बात करें तो इस पर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है। कोशिश करता हूँ जब भी शाम को दूध लेने जाता हूँ तो उस जिम तक जाने की कोशिश करता हूँ मैं। दूर है बट थोड़ा सा ऑटो वर्क भी होता है, मतलब एग वेग हैच हो जाते हैं और बॉडी को भी कैंडीज मिल जाती हैं, तो ये मैं करना शुरू कर दिया है। और वैसे भी इस एरिया में कोरोना केसेस काफ़ी कम है, बट मास्क ज़रूरी है गाइस, मास्क और सैनिटाइज़र इज़ इम्पॉर्टेंट। अब गाइस क्या करना है, आपके पास 350 का स्पेस है, काम नहीं चलेगा। बट जिसके पास 350 का स्पेस है उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कमी होगी, बहुत कमी फील होगी। तो क्या करना है वो सुनो, अपनी तरफ से बेस्ट करना है वो ये करना है कि आपको आइटम्स में जाना है अभी के अभी, और मैचिंग करना है कि प्रवीण भाई के पास क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास मैक्स पोशन है जो कि 3 है, ठीक है, ये आपके पास लगभग थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, प्लस आपके पास हाइपर पोशन होने चाहिए। बस हाइपर पोशन एंड मैक्स पोशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी आपको कोई और पोशन नहीं चाहिए। ये कहीं लिख लो या दिमाग में छप्पा लो या हाथ में गुदवा लो,
ठीक है, ये लिख लो गाइस, ओनली हाइपर पोशन एंड मैक्स पोशन, हाइपर पोशन इज सफिशेंट। अगर आपके हाइपर पोशन बहुत ज़्यादा है ना, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद रिवाइव का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट रिवाइव ईजिली मिल जाते हैं तो रिवाइव रखो आप। मैक्स रिवाइव भी आपको मिल जाएंगे तो वो भी रख लो। इनको देखो, मैक्स रिवाइव अगर आपके पास 30 है ना तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप रिवाइव खाली 15 रख लो, बहुत ज़्यादा है। इनको इतने रखना, ज़्यादा नहीं करना है, 100-150 नहीं करना है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड कि मतलब आप लोग इतना टीम रॉकेट से नहीं लड़ोगे, रेड्स इतनी नहीं करोगे, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जिन लोगों के घर के आसपास पोकेस्टॉप जिम नहीं है, वो लोग इतनी बैटल्स नहीं करते हैं। वो मैक्स टू मैक्स टीम को रॉकेट से दिन में 3 या 4 बार बैटल करते होंगे, उसमें भी उनका पहला या दूसरा पोकेमोन ही डैमेज होता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मिस्ट्री बॉक्स को छोड़ो, स्टिकर्स को भी छोड़ो, टीएम्स की बात करते हैं गाइस। मेरे पास फास्ट टीएम सच में बहुत ज़्यादा है, इतने की ज़रूरत नहीं है। अब है तो है, क्या कर सकते हैं, बट आप लोगों इतने टीएम्स नहीं रखने हैं। मैक्स टू मैक्स 60-70, इसके ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है फास्ट टीएम की। हाँ, चार टीएम आप 100-150 रख सकते हो। फास्ट टीएम में क्या होता है गाइस, किसी पोकेमोन का फास्ट मूव चेंज करना है तो मैक्स टू मैक्स किसी एक पोकेमोन के 2-3-4 ही मूव्स होते हैं गाइस, उससे ज़्यादा मूव होते ही नहीं है। बट चार टीएम में बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोकेमोन हैं जिनके पास एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद एलाइट फर्स्ट टीएम, एलाइट चार टीएम, ये तो भैया अगर 500 के 500 भी रखने को मिले तो वो भी रख लेना, क्योंकि ये बहुत सुपर डुपर रेयर हैं गाइस, सुपर डुपर रेयर, रेयर कैंडी गाइस। अब जैसे कि आप लोग रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके पास रेयर कैंडीज इतनी नहीं होंगी, जो भी मिलती होंगी GBL से मिलती होंगी, प्लस कभी कभार किसी ने रेड में इनवाइट कर दिया तो वहाँ से मिल जाएंगी। तो इनको आपको इतनी रखनी है कि इमरजेंसी में किसी पोकेमोन को देनी हो तो देने के लिए बस। मैं सिर्फ 5 रखता हूँ, बाकी जितनी भी रेयर कैंडीज होती हैं सिर्फ और सिर्फ मैं लेजेंडरी पोकेमोन्स को देता हूँ, और उनको देता हूँ जो कि मेरे लिए PvP में इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना इस बात को, रेयर कैंडी सिर्फ उन पोकेमोन को दो जो PvP के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी लेजेंडरी होने चाहिए, लेजेंडरी या फिर रेयर, अल्ट्रा रेयर होने चाहिए गाइस, ठीक है, नहीं तो ऑटो वॉक करो, क्योंकि कोई भी पोकेमोन है वो 5 किलोमीटर में कैंडी दे देता है, बट लेजेंडरी पोकेमोन्स, मिथिकल पोकेमोन, दे टेक 20 किलोमीटर, तो वहाँ पर रेयर कैंडी का पूरा यूज़ होगा। सो गाइस, रिमोट रेड पास आप मैक्स टू मैक्स 5 रख सकते हैं, जो कि एक अलग कंडीशन है, जो कंडीशन आपको भी मिलने वाली नहीं है। प्रीमियम बैटल पास, ये सब गाइस इंपॉर्टेंट है, इनको आप ट्रांसफ़र कभी मत करना, इनका यूज़ कर लेना। स्टार पीस अगर बहुत ज़्यादा है तो उनको यूज़ करो, ठीक है। गिफ्ट्स को छोड़ो, सुपर रॉकेट अडार इंपॉर्टेंट है गाइस, पॉकी बॉल्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट गाइस, इनको कभी ट्रांसफ़र करना ही नहीं है। क्या ट्रांसफ़र करना है, पोशंस करना है। उसके बाद मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स रखने हैं, इनको भी ट्रांसफ़र, इनको डिलीट नहीं करना है गाइस। सो गाइस, बैरीज, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं गाइस तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बैरीज की ज़रूरत है, बट बाकी किसी भी बैरीज की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। ना तो रास्पबेरी चाहिए, ना नानफ बेरी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाइनएप बेरी चाहिए आपको। पाइनएप बेरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेरी एंड मोस्ट यूजेबल, मोस्ट यूजफुल बेरी है गाइस, सुपर पावरफुल बेरी है गाइस। पाइनएप बेरी, पाइनएप बेरी है, गेम इजी है गाइस, ठीक है। अगर आप प्रो हैं तब कह रहा हूँ, नहीं तो आपको, अगर आप अभी बिगनर हैं गाइस, लेवल 35 से नीचे हैं, तो रास्पबेरी और नानफ बेरी, और जो स्पूफिंग करते हैं वो लेवल 50 से भी नीचे हैं तो भी उनको रास्पबेरी और पाइनएप बेरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पूफर लोग, अभी मैं देखा है कुछ लोग, यार कल ही कमेंट किया है, वो स्पूफिंग करता है गाइस, और वो बंदा लेवल 39 पे है और मुझसे पूछता है कि लेवल 40 कितने दिनों में हो जाएगा। क्यूरियोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट, बट आपको कैलकुलेशन करनी आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्डन रास्पबेरी और सिल्वर पाइनएप बेरीज। गोल्डन रास्पबेरी का सिर्फ इतना यूज़ है कि जैसे कि कोई बडी को फीड करा दोगे तो बडी फुल हो जाएगा, जिम में पोकेमोन रखा है तो वो प्रोटेक्शन करेगा, प्लस लेजेंडरी रेट्स में पोकेमोन कैच करने में सिर्फ इसका काम है। तो गाइस, जब भी आप रेट्स करेंगे तो आपको सफिशिएंट गोल्डन रास्पबेरी मिल जाती है, मतलब इनको इतना 100-200 नहीं रखना गाइस, 50-60 इज़ इनफ। सिल्वर पाइनएप बेरी इज अल्ट्रा रेयर, तो ये तो आप कभी डिलीट मत ही करना गाइस, कभी मत करना। सो पॉफिन इज़ डिफरेंट थिंग, ये पेड बेरी है गाइस, इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं स्टोन्स के बारे में गाइस। देखो, सारे पार्ट में क्लियर कर रहा हूँ, सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली बता रहा हूँ गाइस, और इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा रहे तो भैया यहाँ पर अपनी मेहनत ख़राब हो रही है,
सो गाइस जो भी वीडियो देख रहा है अगर उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है गाइस, और ये इन्फॉर्मेशन आज तक कभी कहीं नहीं मिली है इतनी डिटेल में, कभी अगर ना मिली हो तो गाइस कम ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, भाई मेहनत लगती है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ठीक है। तो ये जितने भी आप स्टोन्स देख रहे हैं गाइस, ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। सबसे ज़्यादा यूज़फुल स्टोन गाइस होता है सीनो स्टोन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर आप GBL खेलते हैं। स्पूफिंग करने वालों की दिक्कत ये कि उनके पास ये स्टोन्स नहीं होते हैं। जब भी कोई इंसान बोले ना सीनो स्टोन रेयर है गाइस, तो वो कहीं ना कहीं स्पूफिंग टेक्निक्स को बढ़ावा दे रहा है, प्लस कहीं ना कहीं वो GBL नहीं खेलता है। दो कंडीशन है, या तो उसको GBL बिल्कुल नहीं खेलता है, या फिर वो स्पूफिंग करता है गाइस, ठीक है। ये दोनों में से कोई कंडीशन होगी। अपन लोग GBL बहुत खेलते हैं, तो अपने पास सीनो स्टोन की कीमत बोल रहा हूँ कमी कभी होगी नहीं। सो गाइस अनोवा स्टोन इज़ रेयर गाइस, ये पता नहीं कहाँ से मिलता है, बट कभी कभार जवानी दे देता है, कभी कभार रिसर्च ब्रेक थ्रो में मिलता है। एक साल से खेल रहा हूँ, मेरे पास 18 स्टोन है, बस एक मैंने यूज़ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना रेयर है गाइस। मेटल कॉट ये रिसर्च से मिल जाते हैं, टुडे रिसर्च में मिल जाते हैं गाइस। किंग रॉक, सन स्टोन, ये सब पॉकी स्टॉप से मिलते हैं, डेली स्पिन करें। सो ये था आपका स्टोरेज के ऊपर। तो बेरीज का क्या करना है गाइस, रासबेरी, नाना बेरीज सब फेंक दो। रासबेरी रखनी है तो 5 रख लो, कभी कभार कोई ज़्यादा सीबी का पोकेमोन आ गया तो वहाँ कैच करने काम आएगा, नहीं तो तुम टैलेंटेड हो। रासबेरी का एक काम ये भी गाइस कि आपकी पोकेबॉल्स बचाता है, तो आप देख सकते हो रखना तो रख लो। बाकी मेरी मानो तो रासबेरी और नाना बेरीज सिर्फ और सिर्फ मिशंस कंप्लीट करने के काम आते हैं, बाकी तो आप लोग टैलेंटेड हैं। नाना बेरीज अगर आप आज भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आप नूब हो गाइस। मतलब अगर आपका लेवल 35 से ऊपर है और नाना बेरीज आप यूज़ कर रहे हो गाइस, तो आप अपने आप का नाम नूब करवा सकते हो गाइस। सॉरी बट ये सच्चाई है गाइस, क्योंकि नाना बेरी कौन यूज़ करता है? मुझे लगता कि नाना बेरी कोई भी बंदा यूज़ करता हो, जिसका भी लेवल 35 से नीचे उसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसको थ्रो करना नहीं आता। लेवल 20 तक के बंदे को गाइस कर्व थ्रो करना नहीं आता है। अगर कोई बंदा लेवल 20 या 25 पे और बहुत बढ़िया खेल रहा है, तो पक्का उसकी एक दो बार आईडी डिलीट हो रखी है, क्योंकि ये गेम बिना एक्सपीरियंस के सीख ही नहीं पाओगे। स्पूफिंग करके आप फटाफट से बहुत ज़्यादा एक्सपी लेके लेवल तो ज़रूर अप कर लोगे, बट स्किल्स कहाँ से लाओगे? स्किल्स इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अब गाइस बात करते हैं कि प्रवीण भैया ये बात तो बोल दी आपने स्टोरेज मैनेज करेंगे, बट स्टोरेज बढ़ाएंगे कैसे? फ्री में स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं गाइस? फ्री में स्टोरेज आप नहीं बढ़ा सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा गाइस, आपको पोकेमोन्स को जिम में रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या तो आप पैसे वाले हैं तो आप अपने पैसे यूज़ करें, ज़्यादा महंगा नहीं है गाइस, बट पैसे यूज़ करने से पहले मैं बोल दूँ गाइस, पैसे अपने यूज़ करना, पेरेंट्स के मत यूज़ करना, क्योंकि पेरेंट्स के जो पैसे हैं उनमें बहुत मेहनत लगती है, खुद की पॉकेट मनी यूज़ करना गाइस, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा ध्यान रखो यार, अपने भाई है तुम्हारा, रोना तो जल्द है। चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।